हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज अपन बात करने वाले इस वीडियो में बेबी डॉज कॉइन के बारे में, जो बेबी डॉज कॉइन की तरफ से निकल कर आ रही न्यू अपडेट्स एंड इसका प्राइस कब तक बढ़ेगा। और यहां पर देख सकते हो आप ये इनके जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है इनके बारे में अपन बात करेंगे इस वीडियो में बेबी डॉज कॉइन के। तो बने रही हमारे इस वीडियो में और आगे चलते हैं अपन बात करते हैं यहाँ पर बेबी डॉज कॉइन के करंट प्राइस और इसके बाद में जो कि मैंने आपको बताया बेबी डॉज कॉइन के न्यू अपडेट एंड इनके अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर जो इसका करंट प्राइस आप देख तो जो इसका करंट प्राइस या डॉलर में देखोगे आप बेबी डॉज कॉइन का तो 0. आप देख सकते हो 8025 के आसपास का करंट प्राइस डॉलर में चल रहा है। अगर INR में इसके करंट प्राइस की बात करें तो जो INR में इसका करंट प्राइस है 0.6019 के आसपास INR में इसका करंट प्राइस चल रहा है। ऑल टाइम हाई प्राइस की बात करें तो जो ऑल टाइम हाई प्राइस गया था इसका बेबी डॉज कॉइन का आप देख सकते हो 0.6057 के आसपास ऑल टाइम हाई प्राइस गया था बेबी डॉज कॉइन का। ऑल टाइम लो प्राइस की बात करें तो ऑल टाइम लो प्राइस आप देख सकते हो 0.7012 के आसपास यहाँ पर आपको ऑल टाइम लो प्राइस आपको बेबी डॉज कॉइन का देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें पिछले 9 मंथ की तो पिछले 9 मंथ के जो इसका प्राइस रिटर्न है आप देख सकते हो 3600% तक लगभग इसने रिटर्न दिया है पिछले 9 महीनों में बेबी डॉज कॉइन ने। और कॉइन मार्केट कैप पर करंट रैंक की बात करें तो देख सकते हो 2937वें नंबर पर लगभग अभी जो कॉइन है अभी परफॉर्मेंस कर रहा है। और अगर अपन बात करें मार्केट में इसकी जो सप्लाई है, सप्लाई आप देख सकते हो 420 ट्रिलियन के आसपास इसकी मार्केट में अभी सप्लाई है। सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें तो 157 ट्रिलियन के आसपास की यहाँ पर मार्केट में सर्कुलेटिंग सप्लाई है, जिसमें से आप देख सकते हो बाइनिंग है 184% है और यहाँ पर 184 ट्रिलियन है। और यहाँ पर जो टीम के पास इनके रिवॉर्ड के लिए है वो आप देख सकते हो कि 79 ट्रिलियन के आसपास इन्होंने रखा हुआ है। और जिसमें से अगर अपन बात करें होल्डर्स हैं जो इनकी बेबी डॉज कॉइन की आप देख सकते हो 1.5 लाख के आसपास इनके होल्डर्स हैं। ट्विटर पर अगर फॉलोवर्स की बात करें तो 480K प्लस में इनके ट्विटर पर फॉलोवर्स हैं, जिनमें लगातार यहाँ पर वृद्धि हो रही है। और मैं आपको साथ ही साथ बता दूँ, जब यहाँ पर जो बेबी डॉज कॉइन लॉन्च हुआ था उसकी लगभग 2 महीने बाद ही बेबी डॉज कॉइन ने अपने 20 क्लिक कर दिए थे। और अभी आप लगभग देख सकते हो कि यहाँ पर ओनली 60 बचे हुए हैं और स्टार्टिंग जो इसके 0 थे 80 थे और अभी 60 बचे हुए हैं, 20 जैसे मैसेज ने क्लिक कर दिए थे। अब अपन बात करते हैं न्यू अपडेट्स एंड इनके अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ जो इनका बेबी डॉज कॉइन का न्यू अपडेट है, यहाँ पर आप देख सकते हो वे बायबिट और ऑफिशियल लिस्टिंग हो चुका है। बायबिट पर ऑफिशियल लिस्टिंग हुआ है बेबी डॉज कॉइन यहाँ पर एक्सचेंज पर। और मैं आपको बता दूँ नेक्स्ट बिग अपडेट की तो क्रिप्टो जो बेबी डॉज कॉइन है क्रिप्टो कार्ड लाने वाला है आने वाले समय में, जहाँ से बेबी डॉज कॉइन के जो प्राइस में है बहुत अच्छा खासा आपको अब देखने को मिलेगा। और अगर अपन बात करें तो बाइनेंस लिस्टिंग सून, जो कि बाइनेंस पर जो बेबी डॉज कॉइन की लिस्टिंग है वो अभी नहीं हुई है, लेकिन आने वाले समय में जैसे बाइनेंस हुआ रॉबिनहुड हुआ जब वहां पर लिस्टिंग बहुत जल्द हो सकती है बाइनेंस पर, तो आने वाले समय में इसकी लिस्टिंग बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकती है, जहां से जो बेबी डॉज कॉइन है अपने 20 या 10 आसानी से क्लिक कर सकता है कि जो बाइनेंस की कम्युनिटी है वो बहुत बड़ी है। और वहां पर जैसे ही लिस्टिंग होगा तो वहां से जो बेबी डॉज कॉइन का जो 0 क्लिक करने का है वो 1 से 20 तक यहां पर क्लिक कर सकता है। और बेबी डॉज कॉइन NFT मार्केट प्लेस लाने वाला है और यहां पर मैं आपको मेटावर्स में भी बहुत जल्द एंट्री कर सकता है बेबी डॉज कॉइन, क्योंकि जहां पर अगर अपन बात करें तो शिबा आईएन हुआ बेबी डॉज कॉइन हुआ जिस पर यह जो वर्क करता है, तो यहां पर मेटावर्स में आने वाले समय में जो बेबी डॉज कॉइन है यह भी आसानी से एंट्री ले सकता है, जो कि मैं आपको बता दूं। और यहां पर 5% डेली बर्निंग जो इसकी है मिलियंस डॉलर में इसकी बर्निंग चल रही है लगभग डेली में। तो यहां पर जो मैं आपको बता दूं मेन टॉपिक रहने वाला है, तो मैं आपको बता दूं कि जो कि बेबी डॉज कॉइन के प्राइस में ऊपर जाने के लिए कम से कम बहुत जल्द इनकी जो वर्निंग है उसको होने चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में जो बेबी डॉज कॉइन का प्राइस वो बहुत जल्द ऊपर जा सके। क्योंकि अगर किसी भी कॉइन का प्राइस ऊपर जाना है उसके लिए उस कॉइन की वर्निंग बहुत ज़रूरी होती है। जैसे कि मैं आपको बता दूं तो जो बेबी डॉज कॉइन की सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा सप्लाई है बेबी डॉज कॉइन की, इसलिए जो बेबी डॉज कॉइन की वर्निंग है वो बहुत ज़रूरी हो जाती है बेबी डॉज कॉइन के प्राइस के में अप जाने के लिए। अगर अब अपन बात करते हैं 1000 रुपये में कितने बेबी डॉज कॉइन
बनाएंगे। तो अगर कैलकुलेशन करें तो 1000 रुपये में अगर करंट प्राइस का यहाँ पर भाग देती हैं तो लगभग यहाँ पर इतने कॉइन्स आपको लगभग में अभी करंट में बेबी डॉज कॉइन के आएंगे, अगर आप अभी करंट में 1000 रुपये के यहाँ पर बेबी डॉज कॉइन को बाय करते हो। तो यहाँ पर जो न्यू बिग अपडेट्स हुई जो कि मैंने आपको बताई हुई है कि जो बेबी डॉज कॉइन है बहुत जल्द बेबी डॉज कॉइन जो कि यहाँ पर देखने को मिल जाएगा बायबिट ऑफिशियल लिस्टिंग हो चुका है एक्सचेंज पर, एंड जो बेबी डॉज कॉइन कार्ड है यह भी आने वाले समय में बहुत जल्द आ सकता है, और यहाँ पर जो बाइनेंस लिस्टिंग है यह भी आपको 2022 के अंदर बहुत जल्द अभी आपको देखने को मिल सकता है कि जो बाइनेंस पर लिस्टिंग है बेबी डॉज कॉइन का वो आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि मैं आपको बता दूँ 2022 लास्ट तो बहुत टाइम हो जाता है, अभी आपको कुछ ही महीनों बाद जो कि बाइनेंस पर लिस्टिंग है बेबी डॉज कॉइन की देखने को मिल सकती है, एंड जो कि बेबी डॉज कॉइन है NFT मार्केट प्लेस में आने वाला है, और जो कि मेटावर्स में है एंट्री बहुत जल्द आप ले सकता है बेबी डॉज कॉइन, एंड यहां पर जो कि 5+5% डेली बर्निंग है यह भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी, इसके वजह से भी जो बेबी डॉज कॉइन का प्राइस है आपको बहुत जल्द आप जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो थैंक्स दोस्तों, अपन वीडियो कहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करने और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स दोस्तों, तो अब अपने वीडियो के ऊपर समाप्त करते हैं।